गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जा रहे हैं रिवर बोट प्रॉब्लम का एक शॉर्ट टेस्ट डिस्कस करने, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए है। सबसे पहले हम रिवर बोट प्रॉब्लम की कुछ बातें समझ लेते हैं। ये रिवर बोट का केस होता है ऐसा डायग्राम। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एट एन एंगल थीटा, और ये होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। VBR क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और VB है वेलोसिटी ऑफ बोट एज ऑब्जर्व बाय द ग्राउंड। क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछा हो, वेलोसिटी ऑफ इंजन बोला हो, वेलोसिटी ऑफ बोट एज ऑब्जर्व बाय बोटमैन बोला हो, हर केस में क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? VBR। इस केस में अगर शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना चाहता है बोटमैन, ये अगर VR है और ये VBR है, तो दोनों का रिजल्टेंट शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि VR और VBR का रिजल्टेंट सीधे आए, क्योंकि मैन अगर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाएगा तो शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल करेगा। इन सारी बातों को छोड़ते हुए हम डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू VR अपॉन VBR। ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए थीटा एंगल निकलता है। इसको हम अगले वीडियो में क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्रोवर्सी आती है। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर कम है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के, तब तो ये फार्मूला सही होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू VR अपॉन VBR। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर से, तो फिर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए साइन थीटा का फार्मूला जस्ट रिवर्स हो जाता है, वो हो जाता है VBR अपॉन VR। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, VR लेस देन VBR होगा तो साइन थीटा VR अपॉन VBR, और VR ग्रेटर देन VBR होगा तो साइन थीटा VBR अपॉन VR। इस तरह से हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू छोटा V अपॉन बड़ा V। दोनों में जो छोटा होगा वो न्यूमरेटर में रहेगा और जो बड़ा होगा वो डिनोमिनेटर में। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएगा।